नागौर जिला क्षेत्र में मदरलैंड शिक्षक संस्थान माध्यमिक विद्यालय मंडावरा के तत्वावधान में प्लास्टिक थैलियों व नशे से मुक्ति के लिए विद्यार्थियों ने जागरूकता रैली निकाली, जिसमें विद्यार्थियों ने घर घर जाकर प्लास्टिक व नशे से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में लोगों को जानकारी दी। गाजियाबाद में अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के लोगों ने बाइक रैली निकालकर सलमान खान द्वारा होस्ट बिग बॉस शो का विरोध किया, साथ ही बिग बॉस शो को बस जल्द से जल्द बंद कराने की मांग की। गढ़ मुक्तेश्वर के पुराना गढ़ दिल्ली रोड पर अवैध रूप से धान की खरीदारी की जा रही है। मुख्य मार्ग पर धान की मंडी लगने से आवागमन में बड़ी दिक्कत हो रही है। सुबह और शाम के समय इस मंडी के कारण यहां रोड पर जाम की स्थिति बनी रहती है। सुबह में स्कूल जाने वाले बच्चों की गाड़ियां काफ़ी देर तक फंसी रहती है और कभी कभी एम्बुलेंस भी फंस जाती है। इस समय मौजूद हैं हम जनपद हापुड़ के गढ़ मुक्तेश्वर अनाधिकृत एक धान मंडी पर, जहां धड़ल्ले से अनाधिकृत रूप से मंडी चलाई जा रही है और मंडी अधिकारियों को ये भी जानकारी नहीं है कि मंडी किस तरीके से चल रही है, जबकि कई करोड़ रुपए से तैयार नवीन मंडी जो कि नेशनल हाईवे 9 पर बनी हुई है, मगर फिर भी मंडी चल रही है। क्या इसका अधिकारियों को पता नहीं है? जबकि व्यापारी गेट पास की भी तैयारियाँ करते हैं, गेट पास आखिर कहाँ से आते हैं ये भी एक सवालिया निशान खड़ा हो गया है। अगर गेट पास मंडी समिति के अधिकारी दे रहे हैं तो ये गाड़ियां मंडी में क्यों नहीं पहुंच पाती? अगर पहुंच पाती हैं तो गेट पास कब मिल पाते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल या निशान है। इसको लेकर यहाँ की जनता ने बार बार इसे मंडी को हटाने का प्रयास करने के लिए धरने प्रदर्शन भी किए हैं, परंतु मंडी समिति के अधिकारियों की पता नहीं चल पाया कि कौन सा समझौता है कि यहाँ से मंडी अनाधिकृत मंडी को हटाने को तैयार नहीं है। मैं मोहम्मद अर्शद, CNN न्यूज हापुड़। आपका क्या नाम है? जितेंद्र कुमार। मंडी समिति में आप किस पद पर कार्यरत हैं? सहायक जी, मंडी सहायक, इंग्लिश में इंस्पेक्टर। अच्छा, ये जो हापुड़ रोड पर और मेरठ रोड पर जो मंडी चल रही है धान मंडी, ये कैसे चल रही है? ये यहाँ पे जगह कम होने की वजह से ये वहाँ पे चल रही है, और इसमें इनको पहले जब शिफ्ट की गई थी मंडी 2017 में, तो इनको पहले नोटिस दिए गए, उसके बाद में इनसे बोला गया कि आप लोग अपनी दुकानें यहाँ लगाइए। अच्छा, जैसे कि वो दोनों रोडों पर चल रही है और हाईवे पूरी तरह जाम रहता है, पुराना हाईवे भी और गढ़ मेरठ रोड भी, तो इस पर ये तो असंवैधानिक है जो चल रही है। बाकी प्रक्रिया हम लोगों की तरफ से, मंडी समिति की तरफ से चल रही है जमीन खरीदी जाने की। जी, कब तक लगभग पूरी हो जाएगी? ये हम कह नहीं सकते, ये तो प्रशासन की बात है। अच्छा, नई जो मंडी बनी है लगभग कितनी कीमत की होगी? ये है 6-7 करोड़ की लागत से बनी हुई है। बनी हुई है यहाँ पर, मतलब जो उनको गेट पास दिया जाता है वो इसी मंडी से दिया जाता है या वहीं से दिया जाता है? तो नहीं चल रहा है, अब यहीं से चल रहा है। अच्छा, मंडी वहां लगती है, गेट पास यहाँ से दिया जाता है। पुलिस अधीक्षक बैराज द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत चेकिंग संबंधित निर्देश दिए गए थे, जिसके चलते मुखबिर की सूचना पर नेपाल की तरफ से आ रहे कुछ लोगों से 210 सीसी नेपाली शराब बरामद हुई, लेकिन अभियुक्त मौके से फरार हो गए। मेरठ के थाना प्रतापपुर क्षेत्र में ATM कार्ड बदलने का मामला सामने आया है। प्रतापपुर क्षेत्र के एक युवक ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। उसका कहना है कि जब मैं ATM से पैसे निकालने गया तो ATM में पहले से ही बैठे दो युवक ने मेरा ATM लेकर मुझे 1,000 रुपये निकाल कर दिए। इसी बीच उन्होंने मेरा ATM कार्ड बदल दिया और वहां से फरार हो गए। उसके बाद उन्होंने मेरा ATM कार्ड से जगह जगह से शॉपिंग की और 29,000 कैश भी निकाले। पीड़ित ने दो लोगों की फुटेज भी थाने में दी है। क्या नाम है आपका और आपके साथ क्या घटना हुई है? मेरे साथ घटना हुई है, मैं ATM से पैसे निकालने के लिए गया था, तो वहां से दो लड़के खड़े हुए थे वहां पर। उन्होंने जैसे ही मैं से बोला अंकल जी पैसे निकालने ले आए, वहाँ तो मैं अंदर पैसे निकालने 1,000 रुपये निकाले मैंने। मेरे ATM में 42,000 कुछ रुपए थे, जिसमें मैंने 1,000 रुपये निकाल पाया और बाकी जो है 41,000 कुछ रुपए उन्होंने निकाल लिए। ATM बदलते हुए मुझे पता नहीं कब क्या करा क्या नहीं, मेरे साथ में घटना हुई है कुछ पता नहीं। और उसके बाद में मैं जो है थाने में गया अपनी रिपोर्ट लेकर के, उन्होंने थाने वालों ने मना कर दिया, हमारे पास नहीं जाओ, हमारे पास नहीं रिपोर्ट।
उसके बाद में 28 तारीख में उन्होंने फिर मेरी रिपोर्ट दर्ज करी और रिपोर्ट में रिसीव करके दे दिया। अभी तक सुनवाई कोई की नहीं जा रही है। अब बताओ मैं क्या करूँ इसके बारे में। थाना में सुनवाई नहीं कर रहा है, मैं सब जगह भाग दौड़ करके मैंने बताइए। आरोपी को कोई पहचान हुई है क्या? हाँ जी, बिग बाजार में उन्होंने खरीदारी भी करी है। 29,000 रुपए करीब नगद निकाले हैं और बाकी खरीदारी करी है 1200 कुछ रुपए की, 1500 कुछ रुपए की और 1700 कुछ रुपए की। उनकी वीडियो भी है मेरे पास, देखिए।